हेलो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे डिफॉल्ट वैल्यूज और रेस्ट ऑपरेटर के बारे में कि डिफॉल्ट वैल्यू और रेस्ट ऑपरेटर आप कैसे यूज करेंगे और ये आपके काम को कैसे आसान बना देंगे। डिफॉल्ट वैल्यू क्यों यूज की जाती है, पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इन अ जेएस डेट मीन जावा स्क्रिप्ट डिफॉल्ट पैरामीटर अलाउ टू यूज असाइन डिफॉल्ट वैल्यू टू अ फंक्शन पैरामीटर। मतलब क्या है, जब भी हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन कुछ पैरामीटर लेता है, जरूरी नहीं ये आपकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर सकता है। अगर आप पैरामीटर पास कर रहे हैं तो आपको फंक्शन को कॉल करते वक्त उसकी वैल्यूज को देना पड़ेगा। तो उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डिफॉल्ट वैल्यू को दे सकते हैं फंक्शन के पैरामीटर में। इससे क्या होगा कि जब फंक्शन को कॉल करेंगे और आप बाई चांस या फिर भूल जाते हैं उस वैल्यू को देना, तो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर वो व्यवहार कर जाएगी, वो काम कर जाएगी और आपका काम कंप्लीट कर देगी। फिर आगे लिखा है, इन केस दे आर नॉट प्रोवाइडेड, यदि आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर काम करने लगेगी। फिर आगे लिखा हुआ, व्हेन फंक्शन कॉल, जब फंक्शन कॉल करते हैं, दिस फीचर इज इंट्रोड्यूस इन ES6। मतलब क्या, ES6 के पहले अगर आप जाएंगे तो आपको ये फीचर नहीं मिलेगा, ES6 में ये फीचर डाला गया था। दिस इज मोर कन्वीनियंट वे टू हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यू और अनडिफाइंड वैल्यू इन अ फंक्शन पैरामीटर। मतलब क्या है, यदि अगर आप पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो आपको एक इरर आ जाएगी या फिर अनडिफाइंड वो ले लेगा तो आपको आउटपुट ठीक से नहीं मिलेगा। तो ये इरर हैंडलिंग के लिए काफी अच्छा रहता है हमारा डिफॉल्ट वैल्यू। अब मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे यूज होगा। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन बनाया मैंने, मान लीजिए सम नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि दो वैल्यू को लेता है। हमने कहा ए कॉमा बी, हमने कहा दो वैल्यू ले रहा है और ये क्या रिटर्न करता है, ये हमें रिटर्न करता है सम, रिटर्न ए प्लस बी। हमने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन को दो वैल्यूज दे दी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा यहाँ पर फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू को, तो ये वैल्यू को हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, काउंट सम नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा, आगे पैरेंथेसिस लगाया, तो क्या होगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसकी वैल्यू स्टोर होकर यहाँ पर काउंट सम में आ जाएगी। तो जल्दी से हम लोग काउंट सम को प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर काउंट सम की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एन ए एन लिख के आया, मतलब नॉट अ नंबर। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया, जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पर फंक्शन चाह रहा है दो पैरामीटर को, ए और बी की वैल्यू, जो कि मैंने फंक्शन कॉल करते वक्त तो पास करी ही नहीं। जब करी ही नहीं है तो यहाँ पर सम निकलेगा कैसे, क्योंकि ए बी जब है नहीं तो ए बी क्या है, अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड को जब सम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको आउटपुट, यहाँ पर नन आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसे केस में जब हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए वैल्यू में हमने 2.5 मैंने लिख दिया, 2.5, तो आप देखेंगे यहाँ पर अब जो आपका सम है वो करेक्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 7 प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे हो सकता है कि आप ऐसे फंक्शन को 5 बार कॉल करना हुआ, 6 बार कॉल करना हुआ और हो सकता है बाई मिस्टेक आप किसी टाइम वैल्यू देना भूल जाए, तो ऐसे केस में आपका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो काम आ जाएगी। डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा हम लोग पैरामीटर के साथ लिखते हैं, यहाँ पर ए बी पैरामीटर है तो हम लोग यहीं पर डिफॉल्ट वैल्यू देंगे। जैसे ए बराबर हम लोग दे देते हैं 1 और बी बराबर भी हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए 2 दे देते हैं। अब इससे फायदा क्या है कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसे अगर ए और बी की वैल्यू मिलेगी तो वो वैल्यू सेलेक्ट कर लेगा, और नहीं मिलती है तो ए की वैल्यू 1 ले लेगा और बी की वैल्यू 2 ले लेगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया, ए बराबर 2 भेजा और बी बराबर मैंने 5 भेजा, तो अंदर हमें सम करके हमें 7 मिल गया, मतलब उसने 1 और 2 को पिक नहीं किया, डिफॉल्ट वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करी। लेकिन अगर फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर हम लोग ये पैरामीटर ना भेजे, मतलब 2.5 को हमने नहीं भेजा, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सम है वो आपको 3 मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो देख रहा है कि आपने फंक्शन को कॉल तो किया लेकिन आपने पैरामीटर नहीं भेजे। तो हमने उसको बता दिया कि पैरामीटर अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो डिफॉल्ट वैल्यूज ले लो, डिफॉल्ट वैल्यू जो कि क्या थी, 1 थी और 2 थी। तो यहाँ पर ए बराबर 1 ले लेगा और बी बराबर 2 लेगा, आपको सम करके दे देगा। तो इससे हमें फायदा मिला कि जब हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दिए थे तो आपको एक एरर आ रही थी। मैं यहाँ पर फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर ए बराबर 1 हटा देता हूँ और बी बराबर भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ 2 को, तो ए कॉमा बी, तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी इस वक्त आपको एन ए एन नन मिला, मतलब एक इरर आपको आ रही है, काउंट नहीं कर पा रहा है। तो ये तो काफी बेकार है, क्योंकि फंक्शन को तो मैंने कॉल कर लिया लेकिन फंक्शन पैरामीटर पास नहीं किया। तो इरर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। तो ए बराबर मैंने 1 दे दी और बी बराबर मैंने 2 दे दिया। डिफॉल्ट वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी कंडीशंस लगा रहे हैं।
तो आई थिंक गाइस आपको डिफॉल्ट वैल्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर इस कोड को थोड़ा कमेंट कर दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर कोड को कमेंट कर दिया। अब देखते हैं रेस्ट ऑपरेटर के बारे में, रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है, तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है रेस्ट सिंटेक्स इज अ जस्ट अपोजिट ऑफ द स्प्रेड ऑपरेटर। मतलब क्या है, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। स्प्रेड ऑपरेटर का काम क्या है कि कोई पैक चीज है तो उसको अनपैक कर देता है, उसको फैला देता है, स्प्रेड कर देता है। रेस्ट क्या करता है, फैली हुई चीजों को मिला देता है, एक जगह आके स्टोर कर देता है। तो रेस्ट ऑपरेटर जस्ट अपोजिट है स्प्रेड ऑपरेटर का। इट कलेक्ट द डाटा एंड स्टोर दैट डाटा इन अ वेरिएबल। मतलब क्या, ये जो जितने भी फैली चीजें हैं उनको एक जगह कलेक्ट कर लेगा और उनको एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा। विच कैन बी यूज फर्दर इन अवर कोड, जिसको हम लोग अपने कोड में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज होगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, या मैंने एक अरे बनाई जिसमें लगभग 10 वैल्यूज जो हैं वो स्टोर करके मैंने रखी हुई हैं, और हमारे पास कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मेरे पास दो फंक्शन है, मैंने कहा एक सम नाम का फंक्शन है, सम वन नाम का, और ये दो पैरामीटर लेता है। दो पैरामीटर हमने कहा कि एक ए कॉमा बी ले रहा है और ये रिटर्न करता है सम को, रिटर्न ए प्लस बी। हमने कहा ये एक फंक्शन बना दिया, और मैंने कहा एक दूसरा फंक्शन है, एक फंक्शन है सम टू नाम का, ये भी सम हमें रिटर्न करता है, सी कॉमा डी ई एफ जी एच आई। तो यहां पर बाकी बची हुई जो 8 वैल्यूज हैं वो मैंने यहां पर पास कर दी, और ये क्या कर रहा है, इन सब का रिटर्न कर रहा है सम। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर इन सब का सम रिटर्न कर दिया। अब कंडीशन है हमारे पास, एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, मैंने वो अगर आपको मैं बताऊं तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक अरे है जिसमें हमें 10 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और कंडीशन ये है कि पहले दो एलिमेंट जो हैं वो पास होते हैं पहले वाले फंक्शन में, बाकी बचे हुए जो 8 है एलिमेंट्स हैं वो पास होते हैं दूसरे वाले फंक्शन में। तो फंक्शन को पास करके हम लोग डायरेक्ट सम निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इसको यूज कैसे किया जाए, तो हमारे पास एक तरीका ये है कि हम लोग जल्दी से काम करते हैं, इन सबको स्टोर कर लेते हैं वैल्यूज को। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट हमने बनाया, कॉन्स्ट जो हमारा एक टेक्निक है सिंपल सी, क्या कहते हैं, हम लोग अरे के एक एक एलिमेंट को निकालेंगे, एक एक वेरिएबल में स्टोर करते हुए चलेंगे। तो वैसे वही प्रोसेस मैं यहाँ पर अपना रहा हूँ, मैं जल्दी से स्टोर कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे गाइस मैंने क्या किया, मैंने अरे के एक एक एलिमेंट को निकाला और निकाल के एक एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब क्या करते हैं, जब हमें पहले वाले फंक्शन को कॉल करना है तो हम ये दो वैल्यू भेज देंगे पहले वाले फंक्शन में, और बाकी जो 8 बचिंग वैल्यू उन्हें हम लोग दूसरे वाले फंक्शन में भेज देंगे। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉन्स्ट कॉल सम वन, मैं पहले वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो जो रिटर्न करेगा उसको हम लोग यहाँ पर कॉल सम वाले में स्टोर करा लेंगे, और यहाँ पर सम वन वाला फंक्शन आ गया। ये दो पैरामीटर चाह रहा है, पैरामीटर को हमने वैल्यू वन को भेज दिया, क्यों, क्योंकि हमारी वैल्यू वन में क्या स्टोर है, अरे का पहला जो एलिमेंट है वो स्टोर है, और वैल्यू टू में अरे का दूसरा एलिमेंट स्टोर है। तो यहाँ पर मैंने कॉल करके रख लिया। फिर क्या करते हैं, कॉन्स्ट दूसरे वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉन्स्ट सम टू हमने नाम से बनाया, कॉल सम टू, और इसमें हम लोग कॉल कर ले रहे हैं दूसरे वाले फंक्शन को, सम टू वाले फंक्शन कॉल कर लिया, और इसमें हम लोग क्या भेज देंगे, बाकी जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग भेज देंगे यहाँ पर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने दूसरे वाले फंक्शन को भी कॉल कर लिया, जिसमें मैंने 8 वैल्यू जो बची हुई थी वो वैल्यूज को हमने यहाँ पर पास कर दिया। पहले वाले फंक्शन में हमने दो वैल्यू को पास किया हुआ है, तो यहाँ पर इनका सम जो है रिटर्न होकर हमें मिल जाएगा, और इनको हमने वेरिएबल में चूंकि स्टोर करके रखा है तो आसानी से हम लोग इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे कॉल सम वन को पहले प्रिंट करा देते हैं, फिर कंसोल कॉल सम टू को प्रिंट करा लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कंसोल में इसका आउटपुट पूरा मिल जाएगा, एक आउटपुट आया 30, दूसरा आउटपुट आया 520। तो आप देख रहे हैं ये प्रोसेस जो है वो काफी लेंदी हो गया है। लेंदी कैसे हो गया, कि पहले हम लोग को एक अरे दी गई थी, उस अरे के हमने सारे एलिमेंट को निकाला, एक एक वेरिएबल में स्टोर किया, फिर हमने उसको पैरामीटर को यहाँ पर पास किया, दूसरे वाले फंक्शन को कॉल करने में तो वहां पर हमने 8 वैल्यू टोटल कॉमा लगा के पास करी है। तो काफी लेंदी प्रोसेस आपको दिख रहा होगा कि काफी कोड जो है वो बहुत बेकार आपने लिखा हुआ है, क्यों, वो ऐसे मान लीजिए अगर बोल दिया जाए कि यहाँ पर अभी 100 वैल्यूज आ रही है,
अरे में दो वैल्यू जो है वो पहले वाले में यूज होंगी और बाकी जो 98 बचेंगे वो दूसरे वाले फंक्शन में यूज होंगी। तो आप क्या ऐसे क्या 100 टाइम्स क्या वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, वैल्यू क्या लिखेंगे क्या, तो काम तो काफी बिगड़ जाएगा फिर ऐसे अगर लिखेंगे तो। ऐसे में आपका जो रेस्ट ऑपरेटर है वो आपकी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेस्ट ऑपरेटर यूज करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम लोग इक्वल टू, इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारी अरे है जो आ रही है उस अरे को हम लोग स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर। ए आर आर नाम की मैंने जो अरे है उसको ले लिया। अब क्या करते हैं, अब पीछे साइड आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक लगाएंगे एमपीटी ब्रैकेट, एमपीटी स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग ने लगाया। इस प्रोसेस को डी स्ट्रक्चरिंग भी कहा जाता है, लेकिन अभी हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग का जो वीडियो है वो बना हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर रेस्ट के बारे में केवल बात कर रहे हैं। तो वो कैसे यहाँ पर यूज होगा, हमने ए आर आर वेरिएबल को हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया, ए आर को हमने यहाँ पर रख दिया। फिर हमने वेरिएबल जहाँ पर नाम लिखते हैं वहाँ पर लगाया हम लोग ने एक स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी वाला। मतलब क्या है, वहाँ पर हमें वेरिएबल का नाम लिखना चाहिए बट हमने एक लगाया क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में अब हम लोग वेरिएबल का नाम भेजेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर हमें अरे का पहला एलिमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी पूरी अरे आ चुकी है, पहला एलिमेंट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ए लिख दिया। तो ए में क्या होगा, ये जो पूरा एलिमेंट है वो पूरे स्टोर हो गए होंगे, आ गए होंगे। कॉमा लगा के हम लोग क्या करते हैं, बी वाला स्टोर कर लेते हैं, तो यहाँ पर बी वाला स्टोर हो गया। कॉमा लगा के सी डी ई एफ जी एच आई और जे। तो ऐसे अगर मैंने 10 लिख दिया यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि 10 वैल्यू जो अरे की है वो एक एक वेरिएबल में स्टोर हो गई होंगी। लेकिन ये डिस्ट्रक्शन कहलाता है, लेकिन हमने डिस्ट्रक्शन नहीं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्ट के बारे में। तो हमने क्या किया कि ए में स्टोर हो गया 10 और बी में स्टोर हो गया 20, तो बाकी जो बची वैल्यू है उनको हम लोग स्टोर करें कर ले एक वेरिएबल में। मतलब क्या, कंबाइंड कर ले एक जगह। रेस्ट का काम क्या है, फैली हुई चीजों को कंबाइंड कर लेना। तो बाकी जो वैल्यू बची हुई है उनको हम लोग ऐसे अलग अलग वेरिएबल में असाइन ना करें, एक वेरिएबल में डाल दें। तो एक वेरिएबल में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 डॉट लगाने पड़ेंगे और यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, अदर वैल्यू। मान लीजिए मैंने ये नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे देते, मैंने अदर वैल्यू दे दिया। तो अब होगा क्या, अरे वन जो अरे है वो पूरी पूरी अरे यहाँ पर आ गई थी लाइन नंबर 29 के पास। इसने क्या किया, ए वाले ने वैल्यू को रख लिया 10, बी वाले ने स्टोर कर लिया 20 को, और अदर वैल्यू जो थी वो क्या करेगी, वो बाकी अरे जो बची है उसको कंबाइंड करके अपना एक अरे बना लेगी। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर प्रिंट करते हैं अदर अरे को, अदर वैल्यू को मैंने यहाँ प्रिंट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पूरी पूरी एक अरे आपको प्रिंट होकर मिले, 30, 40, 50, 60, मतलब जो 8 एलिमेंट बचे थे अरे में वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो हमने क्या किया, बाकी जो 8 बचे एलिमेंट थे उनको क्या कर दिया, रैप कर दिया, उनको आपस में मिला के एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। इसी को बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर, जो कि हमने यहाँ पर लिखा भी था, अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये अपोजिट होता है स्प्रेड ऑपरेटर का, और ये क्या करता है कि एक वेरिएबल में डाटा को स्टोर करके रख देता है। तो 8 वैल्यूज को एक वेरिएबल में स्टोर करके हमने रख दिया। अब हम लोग इनको यूज कर सकते हैं आसानी से। जैसे ए में हमें पहला हमें वैल्यू मिल रही अरे की, बी में वैल्यू मिल रही अरे की दूसरी, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर भेज देते हैं वैल्यू वन की जगह ए, और वैल्यू 2 की जगह भेज देते हैं बी को। और यहाँ पर जो बाकी जगह हमने 8 वैल्यू लिखी हुई है, अगर आपको याद हो स्प्रेड ऑपरेटर जो हम लोग यूज करते हैं उसी की तरह यहाँ पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। अगर आपको याद हो, अगर आपने स्प्रेड ऑपरेटर की वीडियो देखी हो, तो हमें क्या करते हैं, एक अरे अगर होती है तो उसको अभी हम लोग पैरामीटर भेज सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं और अदर वैल्यू में जो हमारी अरे स्टोर है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्प्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 डॉट लगाएंगे और अदर वैल्यू वाले वेरिएबल को यहाँ पर स्प्रेड कर लिया। तो आप देखेंगे फिर से आपको जो आउटपुट है वो सेम टू सेम हमें मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं हुई। अब आप देखेंगे कि हमने जो ये 10 लाइन्स लिखी थी ये काफ़ी बेकार थी, इनको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। तो अब आपका कोड जो है काफ़ी आसान हो गया, जो 10 लाइन का कोड एक्स्ट्रा था वो यहाँ से कम होकर केवल एक ही लाइन में केवल आ गया। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा आप ऐसे समझ लीजिए, अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि 100 के आगे मैं यहाँ पर और लिख देता कॉमा लगा के वैल्यू और डाल देता आ रहे में, कॉमा 200, कॉमा 300, कॉमा 400 ऐसे डाल दिया मैंने, और फिर मैंने कहा इसको यूज करिए। अब देखिए 3 वैल्यू आ गई आपके एक्स्ट्रा, तो आपको अगर पुराना मेथड याद हो तो आपको फिर से वेरिएबल बनाना पड़ता है एक, फिर उसमें 11th इंडेक्स में जाना पड़ता है, 12th इंडेक्स में जाना पड़ता है, 10th इंडेक्स में जाना पड़ता है, फिर 200, 300, 400 वैल्यू स्टोर करनी पड़ती, फिर आप उसको यहाँ पर आके पास करते हैं, तो वो काफ़ी बेकार हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो अब क्या हुआ होगा, बाकी जो 3 वैल्यू ऐड करी हैं वो कहाँ पर आ गई होंगी, अदर वैल्यू वाले वेरिएबल में आ गई होंगी। अब हमें क्या करना है, ये अदर वैल्यू वाला वेरिएबल जो है वो इस वाले फंक्शन में भेजा जा रहा है। तो आई जे के यहाँ लिखा है,
यहाँ वेरिएबल और भेज देते हैं, के एल और एम मैंने भेज दिया, इसका यहाँ पर एड सम लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, प्लस के एल और एम, तो अब क्या होगा उसका भी सम आपको काउंट होकर यहाँ पर मिल जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब आपको वेरिएबल बनाना नहीं पड़ा, उसको भेजना नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिक ही अदर वैल्यूज में कंबाइंड हो गया, ऑटोमेटिक स्प्रेड हो रहा और ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल रहा है। तो आई थिंक रेस्ट ऑपरेटर जो है उसका आई थिंक कॉन्सेप्ट गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर काम चल रहा है। रेस्ट ऑपरेटर का मोस्टली काम क्या है, जो मेन काम है वो काम ये है कि फैली हुई चीज़ों को आपस में कंबाइंड कर देना। तो जैसे जैसे आप कोड करेंगे, जैसे जैसे आप लिखना शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, वैसे वैसे आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।